उसके बाद इनको भी चाहिए कि इनका भी घर बस जाए, अभी आधा अधूरा है ये, इनका भी एक नहीं भी करते, अगर इसका कोई बेबी हुआ रहता तो यही करती, हम नहीं करते इस साल। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और आज का जो ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि बहुत ही स्पेशल है और इतना रात में आज मम्मी पहली बार बोल रही हैं, अलाउ कर रही हैं कि आप लोग जाइए और एंजॉय कर लीजिए आईफिल टावर देखने। हाँ, गोपालगंज में बना है तो वहाँ खलीफा जा रहा है, लोग किसी के याद में बनाया जाता है, लोग सामने जा रहा है लोग देखने। तो गाइस आज परमिशन मिला है सबको, रात में अच्छा लगेगा, लाइट वगैरह से बढ़िया लगता है और हमको बुखार आ गया है, हम जा रहे हैं, अभी दवा खा के सोएंगे, ये लोग जाए लो अपना घूम के आए, लोग निशा लो सब लोग जाए। तो चलिए गाइस लेके चलते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं अद्भुत नजारा है और उसके बाद से ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो वेल गाइस, ये जो है ना पंडाल से ज़्यादा अच्छा इसका खूबसूरती, इसका डिज़ाइन देखिए कितना मस्त लग रहा है, हमको तो देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि एकदम मतलब कितना खूबसूरत ये बनाया गया है। देखिए एक एक डिज़ाइन इसका कितना अच्छा लग रहा है। गाइज हम लोग आए हुए थे गोपालगंज में, और गोपालगंज में ना यहाँ पे टैटू लिखवाया जा रहा है, टैटू करवाया जा रहा है, लेकिन हम लोग आए थे कि आईफिल टावर जो है ना उसको देखने के लिए और बुर्ज खलीफा, लेकिन यहाँ पे एक अद्भुत नज़ारा दिखने को मिल रहा है इनको, देखिए पूजा खा रहे भी हो रहा है। तो अपनी गुड़िया दीदी सोच रही है कि कुछ लिखवाने का, तो पहले मंदिर देख के आया जाए। अरे गाइस ये इतना खूबसूरत है ना, चारों तरफ लाइटिंग देखिए और इतना अच्छा ये, और इसमें लिखा हुआ है राजधान। चलिए गाइस हम लोग जाते हैं नेक्स्ट में। वेल गाइस ये वाला जो पार्ट आप देख सकते हैं, वेल गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं, जो मेरा हम लोगों का मकसद था आने का वो पूरा हो चुका है, और अभी हम लोग आए हुए हैं करता दिला दूध खलीफा। इतना अच्छा लाइटनिंग है ना इसका, अगर आप लोगों को पास से दिखाते हैं पीछे कैमरा से, और आप लोग बताइए कितना, ये गोपालगंज में हम लोग अभी आए हुए हैं।
तो गाइज फाइनली आज का जो दिन है वो बहुत ही ज्यादा लंबा होने वाला है क्योंकि मम्मी अभी कुछ बताने जा रही हैं। वैसे तो नॉनवेज जो है हम छोड़ दिए हैं, आज लास्ट है मेरा और उसके बाद से देखा जाएगा, फिर भी देखते हैं। तो मम्मी आप बताइए कि आप चिकन कैसे बनाती हैं? हम बनाते हैं थोड़ा सा अदरक मिर्चा लहसुन जीरा का फोड़न दे देते हैं उसमें, और तेज़पत्ता का तेल थोड़ा डलाता है, और उससे थोड़ा सा हींग डालते हैं हम उसमें, तो ये हो जाता है। उसका प्याज थोड़ा ब्राउन कर लेते हैं, तब डालते हैं चिकन, चिकन भून के चिकन मसाला डाल देते हैं, लहसुन पीस के थोड़ा डाल देते हैं, बस काम खत्म। तो गाइस फाइनली चिकन जो होगा बन के तैयार हो जाएगा, और ये वाला जो सूट है बहुत ही ज्यादा पुराना है, आज का ये नहीं है, लगभग 5 साल हो गया, 5 साल पुराना जो सूट है। तो सेम ऐसे ही मम्मी अभी जो बताई है वैसे ही बनाएंगी, और देखते हैं हम लोग कैसा बनता है, और कोई भी अगर गड़बड़ी होगा तो जरूर पूछेंगी। तो चिकन तो बन के तैयार हो जाएगा, उसके बाद से खाया जाएगा। उल्टा तो गाइस फाइनली नॉनवेज बन रहा है, और इसमें तो पूरा नहीं देख पाएंगे आप लोग, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कहाँ पे, अपने चैनल पे बनाया है अनीशा की दुनिया, तो गाइस उस पे देखने को मिलेगा। और ये देख सकते हैं कि धनका के रखी हुई है। कल रात को मोमोज खाए हैं ना इसलिए। अच्छा तो गाइस आप लोग बताइए आज हम लोगों के घर में ये बन रहा है, आपके घर में क्या बना है कमेंट कीजिएगा, और बाकी सब तो ठीक है, और फिर उसके बाद आगे लेके चलते। तो गाइस हमको ना वार्निंग मिल चुका है कि अगर हम ये दाढ़ी उड़ी नहीं और बाल नहीं कटवाया तो मेरा पूरा दाढ़ी नोच किया जाएगा, हर बार की तरह इस बार फिर से जा रहे हैं बाल कटवाने, तो बस चलिए जल्दी से कटवा लेते हैं और नोच कर लेते हैं। ठीक, तो अभी आज गए हैं, देखते हैं कितना देर लगता है, अभी यहाँ पे कटा काट ना हो रहा है और थोड़ी देर में मेरा भी कटा जाएगा बाल। फाइनली गाइस बाल जो है कटिंग हो चुका है और इन्होंने काटा है, तो हर बार की तरह इस बार भी जो है आप लोग देख सकते हैं कितना स्टाइलिश लग रहा होगा। तो चलिए वीडियो को लेकर चलते हैं आगे और बताइए कि कैसा लगा ये कटिंग, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। और ये आप जानते होंगे कि बहुत ही अच्छे डांस करते हैं, और इनका डांस का चर्चा ही चल रहा था पूरे सैलून में। चलिए वीडियो को यहीं पे करते हैं आगे, और उसके बाद से आप लोग बताइए कि पूरा ब्लॉग कैसा लगा। आज का जो ब्लॉग हम यहीं से शुरू करते हैं, और आप भाई बताइए कि आपकी शादी के बाद से सबसे ज्यादा आपको हेल्प कौन करता है किचन में? हम इधर उधर रहते हैं तो कैसे बताएं, यहाँ रहते तो मम्मी करती है। ये भी आते हैं कोई कोई काम उसके लिए तो ये तो शुरू से लेकर अंत तक हम लोगों का पहला दिन से और अभी तक कोई भी काम किचन में, जैसे कुछ भी कमी हो या कोई भी किचन ही नहीं कोई भी सामान लाना हो या कोई भी, तो भैया भैया को बोलती है, नहीं मानते तो हमको बोलती है, तो हम ही जाते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि तो यही है वीडियो में कि आप लोग सुन लीजिए, वैसे तो ये पहले ही फ्लॉप कर दी थी, ठीक है मैनेज कर लीजिए, अभी हम बोले हैं सलाद खाना है और इसीलिए सलाद काट रही हैं, और आज जो है लास्ट, यानी कि होगा तो कहीं 20 तक क्या वापस 20-21 को कहिएगा आप, दिवाली से पहले आइए ना, तो गाइस दिवाली से पहले ये आ जाएंगी, तो ये देखिए सलाद कितना अच्छे से बैठे हैं। देखते हैं वैसे तो मेरे पास। तो अभी हम लोग ना बैठ के बात कर रहे थे, अब खड़े हुए हैं, तो खाना अब निकलेगा और खाएंगे और वीडियो को देखते हैं आगे। और बताइए अभी ये बाल झाड़े नहीं है? हाँ खाएंगे, बाल झाड़ के उसके बाद से आप लोगों से बात करते हैं, और एक मस्त न्यूज है आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली जो है ना मम्मी बता रही थी कि कौन कौन बात पे ध्यान देना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है मम्मी कुछ बोल रही थी कि बहुत मम्मी को कुछ बोलना चाहती हैं आप? बोलना चाहती हैं कि अब इनका पढ़ाई और 1.5 साल का है ना, हाँ 1.5 साल का खत्म हो जाएगा, उसके बाद इनको भी चाहिए कि इनका भी घर बस जाए, अभी आधा अधूरा है ये,
इनका भी एक बेबी हो जाता बेटा। वाह क्या सीन है। या बेटी कुछ भी तो घर बराबर हो जाता और अच्छा लगता हम लोग को भी, लड्डू का कमी नहीं महसूस होता। और अभी लड्डू नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा हम लोग को। और तो गाइस आप लोगों को पता होना चाहिए कि मम्मी का छठ किए बहुत साल हो गया है, इस बार थोड़ा सा लग रहा है प्रॉब्लम, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। आप लोग बस ब्लॉग में बने रहिए और अपना। इस साल हम छठ नहीं भी करते, अगर इसका कोई बेबी हुआ रहता तो यही करती, हम नहीं करते इस साल। लेकिन नहीं हुआ लेकिन है तो नहीं छोड़ नहीं सकते क्या मम्मी? अगर ज्यादा सीरियस तब सीरियस होता है तब छोड़ देंगे, लेकिन अभी हम ठीक हो जाएंगे। उतने दिन हमको छठ माँ को कृपा है कि हमको ठीक कर देंगे, तो जरूर एक ही करेंगे, दोनों नहीं करेंगे। और देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। तो भाभी आप बताइए कि आपको सबसे अच्छा इस बार आने के बाद से क्या लगा? तो सबसे अच्छा लगा इस बार कि इस बार सब लोग आया था। मम्मी का तो अभी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था बीच में, जैसा आप लोग देखे थे, लेकिन उस टाइम मैं नहीं थी। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, इसलिए आने के बाद गला में प्रॉब्लम हो गया। नहीं वो कल क्या हुआ था ना कि हम लोग गए हुए थे गोपालगंज मेला में, तो वो बहुत ज्यादा ठंडा पानी पी लिए थे, अच्छा। है ना, इसीलिए हो गया है अभी। मजा आया था कल ना? तो गाइस हम लोगों को परमिशन मम्मी दी थी, सब कोई आया था ना, मौसी जी लोग देखने मम्मी को, मम्मी की सब सिस्टर लोग आई थी देखने, देवरानी की बहू आई थी देखने, जो हमारी देवरानी थी, आप लोग ब्लॉग में देखे होंगे पिछले ब्लॉग में। तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा सबसे, इतने अच्छे से बात बात किए हम लोग, मम्मी भी कितना अच्छा सब कुछ अपना मैनेज करके सब कुछ दी, सबको गिफ्ट वगैरह, इतना तबीयत खराब होने के बाद भी मम्मी सब कुछ मैनेज की, हमको भी अच्छा लगा और देखने को मिला कि हाँ जैसा रिवाज होता है वैसा करना चाहिए। और ये कोई इंटरव्यू नहीं था ऐसे, बस आप लोग समझ लीजिए कि एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा बात था जो हर समय हम लोग क्योंकि गाइस हम इसलिए इन पर गुस्सा कर रहे हैं, चाहे गुस्सा होता है कि ये मेरे बात तो यही है इस घर की, इनके बाद ही कोई आएगा तो उनका दर्जा होगा, पहले तो इन्हीं का है। बड़ी बहू घर की सब जिम्मेवारी संभालती है, तो हम भी यही सोच रहे हैं कि मेरे जैसे हम हैं वैसे एकदम तैयार हो जाए करने के लिए। और देवर के शादी में इनको खूब डांस करना है, खूब शॉपिंग करना है, तो आप लोग भी देखिएगा और बने रहिएगा। तब तक मैं चाहती हूँ कि इनको ठोक के ठेठा के जैसे भी हो हम अपने जैसा बना लें, और ये बन जाएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं बनेंगी तो भगवान जाने क्या होगा। तो इस बार शॉपिंग आप करें, आप करने जाएंगी कि भाभी बोलेंगी? ये भी करेंगे, हम भी करेंगे, पूजा भी करेंगी, तीनों जन मिल के करेंगे। इस बार मेरे घर का लास्ट शादी है, तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए और खूब सारा प्यार दीजिए। आने वाला ब्लॉग बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए और मजा आता है वीडियो डालने में। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे। वीडियो ज्यादा लोग मतलब पसंद करता है तो अच्छा लगता है वीडियो डालना। तो वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खूब सब्सक्राइब कीजिए, खूब ज्यादा प्यार दीजिए। और ये फैमिली ब्लॉग है तो आप लोग बने रहिए वीडियो पे। गाइस आप लोगों को एक बात बताना भूल गए थे, वीडियो तो वैसे खत्म होने वाला है, लेकिन एक बात आप लोगों को फिर से बताते हैं कि एक लिंक दिया होगा कमेंट में, उसको जाके एक बार देखिए और इस ब्लॉग से मजा उस गाने में आएगा, क्योंकि नो कॉपीराइट आ जा रहा है ना, इस वजह से इस चैनल पे नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन उस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। और आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, वो शॉर्ट्स है और बहुत ज्यादा मजा आएगा। कैसे हम लोग गाड़ी में जब जा रहे हैं, हाँ, तो इसमें मस्ती जो था हम लोग खूब एकदम गाना गा के, उसमें बहुत सारा वीडियो है, देखते रहिए उस चैनल पे, अब आते रहेगा वीडियो, क्योंकि इससे ज़्यादा मज़ा आने वाला है उस पर भी आएगा, क्योंकि उस पर शॉर्ट्स रहेगा और इस पर ब्लॉग तो रहता ही, आप लोग प्यार देते ही हैं। तो थैंक यू सो मच, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जो कि होने वाला है, बिदाई।